अगर आप अभी फेसबुक से पैसा कमाते हैं तो आपको भी अपने फेसबुक को प्रोटेक्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कब क्या हो जाएगा आपको भी पता नहीं है। इसीलिए फेसबुक में एक ऐसा सेटिंग है जिसको अगर आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपका जो फेसबुक है वो कभी हैक ही नहीं होगा। कोई भी आपके अकाउंट को कभी हैक नहीं कर पाएगा जब आप उस सेटिंग को ऑन कर देंगे, उससे एक्टिवेट कर देंगे। तो कौन सी सेटिंग है, कैसे करनी है, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बन रहेगा। मैं अभय सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे उसको एक्टिवेट करना है। अब आपको कुछ करना है नहीं, बस आपको अपना फ़ोन ओपन कर देना है। फ़ोन ओपन करने के बाद आपको अपना फेसबुक ओपन कर देना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको जो है कि थ्री डॉट पे चले जाना है। वहाँ पे आने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख जाएगा सेटिंग इन प्राइवेसी, तब उसको क्लिक कर देना है। उतना करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख जाएगा कोड जनरेटर, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको इसको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। उससे पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कोड जनरेटर हेल्प प्रोटेक्ट योर अकाउंट फ्रॉम हैकिंग एंड अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस। मतलब कि ये बोल रहा है कि ये जो कोड जनरेटर है ये आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करेगा, ये आपके अकाउंट को हैक होने से बचाएगा, तो इसलिए आप इसको एक्टिवेट कर दें। तो उसके लिए आपको यहाँ एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ OTP के कुछ 6 डिजिट के नंबर हैं जो कि ये पर मिनट चेंज होते रहते हैं। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा ये जो है OTP ये चेंज हो जाएगा, तो जो भी कोई आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि OTP क्या है, क्योंकि जो OTP है वो बार बार चेंज होते रहेगा, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, तो वो आपके अकाउंट को हैक भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको एक्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए। तो आप भी इसको एक्टिवेट जल्दी से कर दें। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बन रही है।